मध्य प्रदेश के सागर जिला की बीना से विधायक निर्मला सप्रे आए दिन लगातार चर्चा में रहती हैं। वे कांग्रेसी हैं कि भाजपाई, जो तो अब मुद्दा चल ही रहो है, लेकिन ए बीच विधायक को मिलने वाली स्वेच्छा अनुदान निधि अपनों को और एक ही परिवार के सदस्यों को वितरित करने को गंभीर आरोप लगी है। बीना विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से दी गई स्वेच्छा अनुदान निधि के 30 लाख रुपया की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस सूची में एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर राशि दी गई है। कोऊ के नाम पर 17 तो कोऊ के नाम पर 19,000, और जो मामला एक दो नहीं है बल्कि कई परिवारों को है जिनके केऊ सदस्यों को हजारों रुपया की राशि दी गई है। आरोप जो भी है कि जिन लोगों को राशि दी गई है वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। दरअसल स्वेच्छानुदान की राशि गरीब, असहाय, दिव्यांग, विधवा समेत अन्य जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाते हैं मजबूरी के हिसाब से, लेकिन इतने मामला कछु उल्टो नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी सूची में शामिल कछु लोगों के नाम उजागर हैं जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य या एक परिवार के 12 सदस्य या एक परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं, और ये वे सब लोग हैं जो विधायक के करीबी बताए गए हैं। स्वेच्छानुदान की राशि गरीबों को हक है और एक में विधायक ने अपने चहेते लोगों को बंदर बांट करी है। मुख्यमंत्री स्वेच्छादान निधि के संबंध में मेरी राय यह है, ये गरीब तबके के लोगों को दी जाने वाली राशि है, जो कि मध्य प्रदेश शासन से 75 लाख रुपए की राशि हर साल स्वेच्छादान की विधायक के लिए मिलती है। इस राशि का उपयोग, चूँकि मैं 10 साल विधायक रहा, तो अक्सर दौरा के समय पे ऐसे लोग जो वृद्ध हैं या विधवा महिला है या विकलांग लोग हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए ये राशि दी जाती थी। कई बार कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हैं जो फीस के कारण भी हमारे पास आती थी, तो हम ऐसी बच्चियों के लिए भी 5,000-10,000 रुपये की स्वेच्छादान निधि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को दी जाती थी। तो कुल मिला के प्रयास किए जाते थे कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके की राशि स्वीकृत की जाए, ऐसे हम लोगों के प्रयास है। फिलहाल विधायक ने प्रिंट मीडिया में जवाब दो है कि स्वेच्छानुदान की राशि कौन भी व्यक्ति को दई जा सकत है। एक ही परिवार के सदस्यों को राशि इसे दई गई जिसे वो राशि को एकत्रित करके मंदिर निर्माण या भजन मंडलियों को सामग्री प्रदान करी जा सके, लेकिन बड़ो सवाल जो ही है कि जरूरतमंद लोगन की राशि गैर जरूरतमंद लोगन को आखिर कौन आधार पर दई गई है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।